गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. भाई बहुत बड़ा नाम है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, डैश डैश डैश, वाइल्ड लाइफ. ठीक है, आप समझ जाना. ओके, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में. सबसे पहले हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं. आपको पता है पूरी अर्थ में नियर अबाउट 30% जो है वो लैंड है और बाकी 70% जो है वो वाटर से घिरी हुई हमारी अर्थ है. सारे में वाटर बॉडीज पाई जाती हैं. अब अगर हम मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं कि 70% मान लो हम इसको मान लें, नहीं ये तो 70% नहीं हुआ, ठीक है. तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और इसमें 50% से ज़्यादा और 70% हम इतना मान सकते हैं, है ना. ये तो पूरा वाटर वाटर है, 70% नियर अबाउट 70% वाटर और बस नियर अबाउट 30% इज लैंड, ठीक है. अब एक और बात सोचो, इस 30% में से भी सिर्फ 30% ही है जो हमारी हैबिटेबल लैंड है. हैबिटेबल लैंड मतलब जिस लैंड पर हम रह सकते हैं, ठीक है. और बाकी ये जो सारी की सारी 70% लैंड है वो इनहैबिटेबल लैंड है. क्यों भाई, बताते हैं अभी. तो सोचो कि इतनी जितनी अपन दिखाई देती है दुनिया वाले लोग जो रहते हैं, जितने कंस्ट्रक्शन होते हैं, हाउसेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो सब हम इतनी सी जगह में कर रहे हैं कचड़ पचड़. बाकी ये सारा का सारी जो धरती है ना वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो रहने के किसी काम की नहीं है, बाकी तो काम की है. अब इतनी सी धरती में हम खेती भी कर लेते हैं, है ना, हम जानवरों को भी पाल लेते हैं, हम अपने स्कूल, कॉलेजेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये वो सब बना लेते हैं, सारे सारे शौक हम इसी में पूरे करते हैं. बाकी इसमें तो पानी भरा पड़ा है और बाकी ये जो धरती है वो क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है. तो जो लैंड है, पहली बात तो ये समझ लो कि 30% ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, लैंड है. अब ये लैंड का भी 30% जो है ना, वो हैबिटेबल है. हैबिटेबल का मतलब होता है रहने के लायक. और 70% ऑफ लैंड जो है वो है अनहैबिटेबल या इनहैबिटेबल, देख लेना दो. अरे कहाँ गया, जो भी था, नॉन हैबिटेबल है, वॉट एवर, मतलब यहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना. क्यों ऐसा, क्यों, बहुत सारे रीज़न हैं. हम कहाँ रह सकते हैं जहाँ पे प्लेन हो, जहाँ पे हम खेती कर सकें. अब हम माउंटेन की जो स्लोप्स होती हैं वहाँ पे तो नहीं रह सकते, वहाँ पे भी आप बोलोगे थोड़े बहुत लोग रहते हैं, पर बहुत थोड़े लोग रहते हैं. जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, जब से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिंपल लैंड में, मतलब सिंपल फील्ड में रहती है, प्लेन एरियाज़ में रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जानवर रह सकते हैं. अब कहीं कहीं पर बहुत सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हैं. इस 30% में भी बहुत, इसमें 30% में हम रहते हैं और बहुत, ये जो 70% पड़ा हुआ है लैंड का वो इन हैबिटेबल इसीलिए है क्योंकि भाई इसमें फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में जाके हम नहीं रह सकते. स्वैम्पी एरियाज हैं, दलदल हैं, खाइयाँ हैं, वहाँ हम नहीं रह सकते. माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर तो रहेंगे नहीं, उसकी जो स्लोप्स होती हैं उस पर भी रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगी. टोपोग्राफी वो सारी की सारी चीज़ें इतनी टफ़ होती है कि वहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, बहुत कम ही लोग रहते हैं. अब लद्दाख में कितने लोग रहेंगे, पॉसिबल है, लेकिन हम राजस्थान में, केरला में, ऐसी जगहों पर ढेर सारी पॉपुलेशन होती है. तो दीज आर द रीजंस कि बहुत सारी जो जगह ज़मीन है वो इनहैबिटेबल है, वो हैबिटेबल नहीं है, वो रहने के लायक नहीं है, ठीक है. तो एक बार हम इसको थोड़ी सी स्टडी करते हैं. लैंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ लैंड. अब लैंड जो होता है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहा गया है.
क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें लैंड से ही मिलती है। हम खाना पीना कहाँ उगाते हैं? लैंड पर उगाते हैं। हम कपड़े लत्ते कहाँ पर उगा, जैसे जो कपड़े होते हैं हमारे वो भी तो थ्रेड से बनते हैं, कॉटन फाइबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, वो हमें लैंड पर ही मिलते हैं। हम रहते कहाँ हैं? लैंड पर रहते हैं। पेड़ कहाँ मिलते हैं? लैंड पर मिलते हैं। हम पानी में जाके तो नहीं रह सकते, या एटमोसफेयर जो है वो हम उसमें तो उड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि जो लैंड है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हमें लैंड पर ही मिलती है। ठीक है, इसलिए तो लैंड पर रहते हैं हम आसमान में क्यों नहीं रह लेते? ठीक, तो नियरली 30% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो इनहैबिटेबल है, 30% जो है वो हैबिटेबल है, और ये है जो 70% ऑफ लैंड है वो इनहैबिटेबल है। क्यों ऐसा है वो भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग अलग होती हैं। माउंटेन के ऊपर जनरली बहुत ठंड होती है और वहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं हो सकती है। स्लोप्स पे रहना, अब आपको घर आपका ऐसा चाहिए या टेढ़ा घर होगा तो आप कैसे रह पाओगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। टोपोग्राफी अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही नीचे होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं वैसे खाइयाँ भी होती हैं। अब खाइयों में कोई घर इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पे आधे से आधे टाइम तो पानी भरा रहेगा, बारिश होगी तो वहाँ पे पानी भरा रहेगा, वहाँ पे पानी लॉज्ड रहता है, मतलब पानी जमा रहता है। तो वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़, क्या हम गड्ढों के अंदर अपना घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ डैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरियाज पाए जाते हैं, वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, जो दलदल है। फॉरेस्ट से घिरी हुई है आधी से ज़्यादा धरती। ये जो पूरा 70% लैंड है वो क्या कहते हैं, उसमें फॉरेस्ट हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ को सुटेबल नहीं बनाती हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इनहैबिटेबल लैंड कहा जाता है। और जहाँ हम 30% लैंड ऐसा है जो कि रहने के लायक है, जो प्लेन है, वहाँ पर हम रह पाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि बहुत सारी एक टर्म आती है, लैंड यूज़। लैंड यूज़ किसे कहते हैं? लैंड का हमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं तो आप खुद ही सोच लो। लैंड पर हम अपनी सारी चीज़ें तो यूज़ करते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, हम जानवरों को पालते हैं, खेती करते हैं, अपने शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो वट एवर वी आर लिविंग, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, एरोप्लेन के एरोड्रम्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, तो हर चीज़ तो हम लैंड पर कर रहे हैं। तो हैबिटेबल लैंड पर जो हम यूज़ करते हैं इस लैंड का, किस किस काम में हम इस लैंड का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? लैंड यूज़ कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात होती है कि हम इस लैंड यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा प्राइवेट लैंड, जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अब मान लीजिए आपने खुद अपना घर जो बनाया है वो ख़रीदा और उस पर अपना घर बनाया, अब उस घर में कोई आके नहीं रह सकता, तो वो जो लैंड का टुकड़ा है जहाँ तक आपका घर है वो जितना लैंड है वो आपका प्राइवेट लैंड कहलाएगा। एक होता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड मतलब जो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी की खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जिस लैंड पर बने होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी लैंड यूज़ कहते हैं। तो लैंड के दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम, या तो प्राइवेट यूज़ होता है या फिर कम्युनिटी यूज़ होता है। ठीक है ना, तो इतना आप पढ़ के रखो, ये सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कोई टफ़ इसमें अभी तक नहीं है। आगे कल मैं पढ़ाऊँगी कि किस तरीके से लैंड के यूज़ में चेंजेस होते हैं, किस तरह से आज हम किसी लैंड का अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दूसरे टाइम हम किसी और तरीके से यूज़ करेंगे, तो why एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो एक बार ये दो पेजेस पढ़े हैं, इसका आप रीडिंग लगा के रखो। वी विल मीट टुमारो, अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग। दिवाली से पहले हो सकता है कि आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो इसीलिए सारा काम कंप्लीट करके प्रॉपरली पढ़ाई करो। एंड वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।